বিরতির পর স্বাগত। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং অল ইন্ডিয়া ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড অরাল হেলথ উদযাপন করা হয় আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিতে ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সহকর্মী মিশন ডিরেক্টর বিনিময় ভূষণ দাস সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকের উপস্থিতিতেই অরাল হেলথ ডে উদযাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক বছরই উদযাপন করা হয়, এবছরও কিন্তু আইজিএম হাসপাতালে ওয়ার্ল্ড অরাল হেলথ ডে উদযাপন করা হয়েছে, যেখানে দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। কি বলছেন আজকের এই দিবসকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকেই শোনাব। আমি হমেশা উৎসুক রাখতাম কি হেলথ ডিপার্টমেন্ট মে ক্যা হো রাহা হ্যায়, ক্যা নাহি হো রাহা হ্যায়, অর ইন কার্যক্রমো কে মাধ্যম সে বহুত কুছ পতা চলতা হ্যায় कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कुछ हो रहा है। जैसा कि अभी किरण गित्ते साहब ने कहा कि हमारे राज्य की जो प्राथमिकता है वो प्रथम प्राथमिकता ही स्वास्थ्य संबंधी है और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि ओरल हेल्थ के ही संबंध में और इसी प्रांगण में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से एक डेंटल कॉलेज बिल्डिंग का शिलान्यास हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसी तरीके से पिछले कुछ वर्षों में या यूं कहें पिछले कुछ महीनों में डेंटल सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, यह किसी से छुपा नहीं है, या सब लोग देख सकते हैं। और इसी के माध्यम से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है काफी आगे बढ़ सकता है। अभी मैं कुछ समय पहले देख रहा था कि इस बार वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का थीम क्या है, 2024 का थीम क्या है, तो बहुत अच्छा लगा देख करके कि हैप्पी माउथ इज हैप्पी बॉडी। तो ये हम सभी पर लागू होता है और जो इस हेल्थ सेक्टर में चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनको एंगेज करने का जो काम था उसी कार्यकाल में हुआ। और अभी मुख्य सचिव के नाते भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, सर हमेशा देते रहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज के कार्यक्रम में सर को यहाँ पे इनोवेट करना ही उचित होगा ताकि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। तो इस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जो पिछले साल हमारे राज्य में जो डेंटल कॉलेज शुरू हुआ है, डेंटल हॉस्पिटल शुरू हुआ है, तो अभी हम इसका लाभ उठाते हुए जो जिला स्तर में या सब डिविजन स्तर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जो डेंटल केयर को जो हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, हमें वो काम करना होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि कार्य शुरू हुआ है लेकिन जो उसका जो परिमाण है, जो जिस मात्रा में काम होना चाहिए हमें, और उस मात्रा में अभी हमें आगे दिनों में काम करना है। जैसे कि जो कैंप हमने देखे पिछले साल 8 कैंप हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा कि हमारे राज्य में करीब 60 के करीब डेंटल डॉक्टर्स हैं, तो हम तो सब जगह डेंटल डॉक्टर दे नहीं पाए। लेकिन जो जो क्षेत्र में डेंटल डॉक्टर है उस क्षेत्र में कम से कम हर महीने में 1 कैंप होना चाहिए। तो अगर हमने हर महीना में 1 कैंप किया और 60 डॉक्टर हमारे पास है तो करीब हम लोग 500-600 कैंप हम लोग कर सकते हैं। अगर ये कैंप करेंगे तो ही हमारे स्कूल में और अंगनवाड़ी में जो हमें डेंटल स्क्रीनिंग करनी है इतनी बड़ी मात्रा में, वो हम कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें काफी बड़ा सपोर्ट हमें भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है। और अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग जीबी हॉस्पिटल से, आईजी हॉस्पिटल से हम लोग टेलीमेडिसिन और टेलीकंसल्टेशन शुरू किए हैं। अगर कई क्षेत्र में पीएचसी में, सीएचसी में अगर कहीं पे डेंटल डॉक्टर हम लोग दे नहीं पाए तो राज्य स्तर में जो हमारे डेंटल डॉक्टर्स हैं।
আপনারা শুনলেন উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্য। আগরতলা IGM হাসপাতালে আজকের এই দিনটি উদযাপন করা হয়, যেখানে আশা কর্মী থেকে শুরু করে দপ্তরের আধিকারিক তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।